ओके, कॉमन टाइप्स ऑफ सेल्स में अब तक हम लोग चार सेल पढ़ चुके हैं। सबसे पहला जो ड्राई सेल लैक्लैंशे इन एसिडिक मीडियम, फिर अल्कलाइन मीडियम का भी देखा, देन लेड एक्यूमुलेटर, देन निकैब सेल, ऐसा। फिर अभी मर्क्यूरी सेल देखना है, ये भी एक अल्कलाइन बैटरी है। अभी मैं आपको मर्क्यूरी सेल का रिएक्शंस सिखा रहा हूँ। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, ये अल्कलाइन मीडियम में काम करता है। और जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, अल्कलाइन मीडियम में जो भी सेल काम करता है उसका बैटरी लाइफ इज ऑलवेज बेटर देन एसिडिक मीडियम, मतलब लैक्लैंश या ड्राई सेल से इसका बैटरी लाइफ कई गुना ज़्यादा होगा। पहले रिएक्शन एट एनोड देखते हैं। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, वी ऑल नो दैट। तो यहाँ पे जिंक अमालगम यूज किया जाता है, मतलब मर्क्यूरी के साथ इसका पेस्ट होता है, जिंक अमलगम। या तो फिर अब हम लोग सिर्फ ऐसा लिख सकते हैं ब्रैकेट में Hg, ये इसका जिंक का मर्क्यूरी में जो पेस्ट है वो। और दिस इज ट्रीटेड विद OH माइनस एक्वियस, ऐसे बैलेंसिंग के लिए लिखा हूँ। फिर आपको मिलेगा ZnO सॉलिड, और H2O लिक्विड प्लस इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज ऑक्सीडेशन, यू कैन सी द एंटायर रिएक्शन। ये जिंक अमालकम वाला Hg, आप कहेंगे कि Hg तो प्रोडक्ट में नहीं है, और रिएक्शन में पार्ट नहीं ले रहा है, जिंक का अमालगम होता है ना, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी सीखते हैं, तो वैसा वाला है। तो जिंक OH माइनस ये अल्कली, आपको जिंक ऑक्साइड मिल रहा है, वाटर एंड टू मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फिर रिएक्शन आप कैथोड देखते हैं। सो यू हैव HgO, दिस इज सॉलिड, इज ऑब्वियसली वाटर एक्सेस कैरियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट इज Hg, दिस इज स्टैंडर्ड स्टेट लिक्विड है, और ये OH- द रिएक्शन इज परफेक्टली बैलेंस्ड। यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है मर्क्यूरी का, Hg+2 टू 0 का, ऐसा, दिस इज रिडक्शन। सो लेट्स सी द नेट सेल रिएक्शन नाउ, ओवरऑल सेल रिएक्शन। द थिंग्स विच आर गेटिंग कैंसल्ड ऑब्वियसली, 2 moles ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देन 2 moles ऑफ OH-, देन वाटर इज ऑल्सो गेटिंग कैंसल्ड। We are left with zinc amalgam. इसका पेस्ट होता है HgO सॉलिड, ये हो गया। और प्रोडक्ट में आपको जिंक ऑक्साइड ये और Hg लिक्विड। सो दिस इज बेसिकली द रिएक्शन फॉर मर्क्यूरी सेल। ओके, अब तक जितने भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हमने सीखे हैं वो सारे कन्वेंशनल सेल्स हैं। ये एक ही एग्जांपल हमारे सिलेबस में है जो नॉन कन्वेंशनल या अनकन्वेंशनल सेल। अब कन्वेंशनल सेल और नॉन कन्वेंशनल सेल मतलब क्या होता है? जो सारे कन्वेंशनल सेल्स होते हैं दे कन्वर्ट, मतलब हम लोग प्रिंसिपल में ऐसा कहते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कन्वर्टिंग केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा कन्वेंशनल सेल में होता नहीं है। केमिकल एनर्जी जो होता है पहले हीट में कन्वर्ट होता है, फिर हीट का सिर्फ कुछ पार्ट जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। जैसे मैंने कहा था कि लेड एक्यूमुलेटर का एफिशिएंसी 40% है, मतलब क्या, पहले वो केमिकल एनर्जी को 100% हीट में कन्वर्ट करता है, उस 100% का सिर्फ 40% इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। लेकिन ये जो है नॉन कन्वेंशनल सेल है ना, इसमें बेसिक हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल भी लेंगे, है ना, मैंने लिखा है इधर, इट्स हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। ये नॉन कन्वेंशनल इसके लिए क्योंकि इसका एफिशिएंसी 70% है, मतलब क्या हो गया, केमिकल एनर्जी को 100% हीट में कन्वर्ट हो रहा है, उसका 70% इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। द लॉस इज रिड्यूस्ड टू हाफ, कन्वेंशनल सेल में द लॉस वॉज 50%, नाउ द लॉस इज रिड्यूस्ड, ऐसा है। तो इसके लिए नॉन कन्वेंशनल सेल इसका डायग्राम देख लेते हैं। प्रिंसिपल तो वही है, इट्स एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी,
डायग्राम भी बहुत सिंपल है। एज यू कैन सी, एक बहुत बड़ा कंटेनर है, ग्लास कंटेनर, जिसके अंदर ये दो ग्रेफाइट के रॉड्स हैं, एनोड लेफ्ट में, राइट में कैथोड। एनोड इज नेगेटिवली चार्ज, कैथोड इज पॉजिटिवली चार्ज। ग्रेफाइट ऑब्वियसली इनर्ट होता है, पोरस होता है। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल में ऑब्वियसली हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यूज करने वाले हैं। एनोड से हम हाइड्रोजन अंदर इंसर्ट करेंगे और कैथोड से ऑक्सीजन अंदर इंसर्ट करेंगे, तभी तो नाम हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है। तो ये बेसिकली हाइड्रोजन का कम्बशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ KOH, एक्वियस हॉट एंड एक्वियस KOH, उसके प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। सिंपली ये पोरस होने की वजह से यहाँ से जो गैस आएगा तो कंट्रोल्ड वे में सप्लाई होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। इसके लिए हम लोग ने ये पोरस ये लिया है और अंदर ये KOH, इसके साथ रिएक्शन होगा बेसिकली सिंपल। और ये वाटर लिबरेट हो रहा है, दैट इज अ बाय प्रोडक्ट। वो कैसे आता है वो रिएक्शन में देखते हैं। तो ये सिंपल सा डायग्राम है, अब रिएक्शंस देखते हैं, जस्ट सी द रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। रिएक्शंस में सबसे पहले तो KOH जो है वो हम लोग एक्वियस KOH हॉट जो लिया है वो एक्सेस में लेते हैं, उसका डिसोसिएशन होता है 4K प्लस एक्वियस एंड 4OH माइनस एक्वियस। Now let us see the reaction at anode. Anode पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल में से जो हाइड्रोजन है ना वो रिएक्ट करेगा OH माइनस के साथ। Yes. And that to ये जो है ना वो वाला है, ये इससे समझ में आना चाहिए, 4OH माइनस इधर से लिया गया है। So what are you going to get is 4H2 liquid. Plus 4 moles of electrons. This is definitely reduction reaction. Reaction is perfectly balanced. We have 8 hydrogens here. यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4, तो 8 हो गए। 4 oxygen है, oxygen 4 है। Reaction perfectly balanced है। ये anode का reaction है, जिसमें obviously ये जो hydrogen है, है ना उसका, so ये oxidation हो रहा है। This is not reduction, this is oxidation. ऑक्सीडेशन, एनोड पे ऑक्सीडेशन होना चाहिए। देन आठ कैथोड, विल हैव रिडक्शन। रिडक्शन किसका होगा? ऑब्वियसली ऑक्सीजन का होगा। ऑक्सीजन का रिडक्शन होगा तो व्हाट यू विल गेट इज OH माइनस। ये श्योरली रिडक्शन है, यहाँ पे ऑक्सीजन जीरो है, यहाँ पे माइनस टू है। नीड टू बैलेंस दिस, जितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस है उतने का गेन होना चाहिए, 4 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये ऐसे। एंड देन ऑब्वियसली रिएक्शन बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे वाटर आएगा ऑक्सीजन के साथ, विल हैव 2 मोल्स ऑफ वाटर। द रिएक्शन इज परफेक्टली बैलेंस्ड, दिस इज सपोज टू बी रिडक्शन। कैथोड पे रिडक्शन और एनोड पे ऑक्सीडेशन है, हो गया। नाउ वी आर सपोज राइट डाउन द नेक्स्ट सेल रिएक्शन। नेक्स्ट सेल रिएक्शन में दोनों को ऐड करते हैं तो ये 4 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएगा, 4OH माइनस भी जाएगा और ये 2 पूरा कैंसिल होगा, इसमें से 2 बचेगा। सो अल्टीमेटली क्या क्या बचा है, 2H2 गैस प्लस O2 गैस, ये O2 बचा है, ये पूरा कैंसिल हो गया, ये गया ये भी गया, तो फिर बचा क्या, इस तरफ 4 में से 2 गया तो 2 बचा है, ये कुछ जो इसका बाई प्रोडक्ट है जो हमने डायग्राम में भी दिखाया, वाटर ऊपर जाता है। सो रिएक्शंस, दीज आर रिएक्शंस। यहाँ पे एनोड पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया, कैथोड पे ऑक्सीजन का रिडक्शन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का ये रिएक्शन है बेसिकली, हाइड्रोजन का कंबशन है जिसकी वजह से एनर्जी जनरेट होता है। और हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल का एफिशिएंसी, बेसिक हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल लेंगे तो भी उसका एफिशिएंसी 70% है, जो मैं बता चुका हूँ। ये पोल्यूशन फ्री है, इनफैक्ट ये जो वाटर मिलता है वो ड्रिंकिंग वाटर की तरह यूज़ कर सकते हैं, उसका जो बाय प्रोडक्ट है, जबकि वाटर प्रोड्यूस करना ये उसका इंटेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे वाटर बन जाता है जो सो प्योर कि वो पीने के लायक होता है, नॉइज फ्री है ना, नॉइज फ्री होना भी एक बेनिफिट है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल से वोल्टेज 1.2 वोल्ट के आसपास मिलता है और अल्कलाइन बैटरी है और कंटिन्यूसली वर्क करता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल का ये सबसे बड़ा फायदा ऐसा है। फ्यूल ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप डायग्राम में देख सकते हैं
हम लोग ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं, तो जब तक ये सप्लाई शुरू रहेगा तब तक ये काम करने वाला है, ये बीच में बिल्कुल रुकता नहीं। नॉइस फ्री है, पोल्यूशन फ्री है, एफिशिएंसी भी ज़्यादा है। इसके लिए इसके यूजेस जनरली हम लोग हमारे डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए घर पे यूज़ नहीं होते, ज़्यादातर एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं अपने स्पेसशिप में इसको यूज़ करते हैं, है ना। उसके अलग अलग रीज़न होते हैं। मेन इसका काम यही है कि कंटिन्यूस एनर्जी सप्लाई करता है। इसके लिए स्पेसशिप में जो ग्रेविटेशन फोर्स आर्टिफिशियली क्रिएट करना होता है उस काम में ज़्यादातर ये यूज़ होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। सो ये एक अनकन्वेंशनल सेल है, क्योंकि ऑलमोस्ट अभी तो इतने मॉडर्न हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल आए हैं कि ऑलमोस्ट 100% केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज अबाउट हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। ओके, लेट अस लर्न नर्न्स थियरी ऑफ डीइलेक्ट्रोनेशन एंड इलेक्ट्रोनेशन। इलेक्ट्रोनेशन ये पूरा नाम है थ्योरी का। ये नर्न्स करके साइंटिस्ट है, उसने अपने को समझाया है कि करंट फ्लो होने के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस लगता है वो कैसे डेवलप होता है। करंट सेल में सोल्यूशन से रॉड पे जाता है या रॉड से सोल्यूशन में उतरता है, ये करंट फ्लो होने के लिए रॉड और सोल्यूशन के बीच में, रॉड मतलब इलेक्ट्रोड और जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है उसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे होता है, तो नर्न्स्ट ऐसा कहता है कि डी इलेक्ट्रोनेशन और इलेक्ट्रोनेशन की वजह से होता है पोटेंशियल डिफरेंस जब करंट फ्लो होने के लिए। तो भाई डी इलेक्ट्रोनेशन मतलब क्या समझ लेते हैं, कि पूरा जो वर्ड है उसमें डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब होता है लॉस इन स्टेबिलिटी। इलेक्ट्रोनेशन इलेक्ट्रॉनेशन तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, वी नो इट इज ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉनेशन एग्जैक्टली उसका उल्टा है, व्हाट विल बी इलेक्ट्रॉनेशन देन, इफ दिस इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस हैज टू बी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन वी नो इट इज रिडक्शन। सो बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शन ही होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप होता है। अब ये थोड़ा अच्छे से समझने के लिए मैं डैनियल सेल का एग्जांपल लेता हूँ। ये एक बड़ा बीकर है जस्ट ऑफ डायग्राम, और ये सॉल्यूशन लिया मैंने ZnSO4 का, और इसमें रॉड आएगा जिंक का, करेक्ट, ये जिंक का रॉड है। ये तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए नेसेसरी कंडीशन है, जिस मेटल का रॉड है उसका कैटायन सॉल्यूशन में होना चाहिए। तो अभी डी इलेक्ट्रॉनेशन होता है मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो जिंक के एटम्स है, रॉड का जो पार्ट सॉल्यूशन में डूबा हुआ है उधर के जो जिंक के एटम्स है उनका ऑक्सीडेशन होता है। मतलब वो क्या करते हैं, इधर के जो जिंक के एटम्स है वो क्या करते हैं, यानी वो इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं। आई जस्ट राइट इट हियर, इधर के जिंक एटम्स उसमें से इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो ये लॉस हुआ कि नहीं, ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन्स किधर रखेंगे, रॉड पे रखेंगे, ऐसे रॉड का जो पार्ट डूबा हुआ है उधर के जिंक के एटम्स इलेक्ट्रॉन निकल के रॉड पे रखते हैं, तो रॉड पे क्या चार्ज हो जाता है, निगेटिव चार्ज आता है, तो इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या फॉर्म हो गया, Zn+2 एक्वियस। ये Zn+2 क्या करेंगे, सोल्यूशन में जम्प मारेंगे, तो सोल्यूशन इन द विसिनिटी गेन्स अ पॉजिटिव चार्ज। सोल्यूशन इन द विसिनिटी ऐसा रॉड के एजेस को, जो पार्ट डूबा हुआ है ना उधर को एजेस को लग के यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो रॉड का जो पार्ट डूबा हुआ है उधर के जो जिंक के एटम्स हैं उन्होंने इलेक्ट्रॉन निकल के रॉड पे रख दिए, तो रॉड के ऊपर निगेटिव चार्ज आया और उसकी वजह से मतलब ये लॉस हुआ ना, ये दिस इज ऑक्सीडेशन क्लियरली, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर Zn+2 जो होगा वो रॉड पे रहेगा नहीं, वो सोल्यूशन में जंप मारेंगे, तो सोल्यूशन इन द विसिनिटी विल गेन अ पॉजिटिव चार्ज, हेंस एन इलेक्ट्रिकल डबल लेयर इज फॉर्म्ड। इलेक्ट्रिकल डबल लेयर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया बिटवीन द रॉड एंड द सोल्यूशन। तो करंट फ्लो कैसे करेगा, फ्रॉम सोल्यूशन टू रॉड, ऐसे ये हो गया, करेक्ट ना। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये जो डेवलप हुआ इसको कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल।
पोटेंशियल जो किसकी वजह से डेवलप हुआ है, ऑक्सीडेशन की वजह से। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब हीटिंग इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ से करंट जाएगा दूसरी तरफ, बरबर ना, कैथोड पे। कैथोड पे हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, ये कॉपर का रॉड, जस्ट अराउंड डायग्राम, ये नॉट बी सिमेट्रिकल, और ये कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। तो सब रिएक्शन हम लोग डैनियल सेल में देख चुके हैं। अभी क्या होता है, यहाँ से यहाँ पे है ना वो धक्का आता है, फिर क्या होगा, इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स गिरेंगे। इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं तो इसके ऊपर चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। हम लोग जानते हैं कि लिटरली इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आता, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को पुश करता है। वो इलेक्ट्रॉन धक्का मारते मारते इधर के जो कॉपर एटम्स हैं उनको धक्का लगेगा, उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स गिर जाएंगे। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन गया तो निगेटिव चार्ज है। अब जो इलेक्ट्रॉन गिर रहे हैं उसको कॉपर सल्फेट में से कुछ कॉपर के आयन, ये डिसोसिएट होगा, Cu+2 एक्वियस और SO4-2 ऐसे। तो ये कटायन है ना, इसके लिए कैथोड के इधर सारे Cu+2 ऑलरेडी खड़े हैं, Cu+2 ऐसा रॉड को घेर के रखा है। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स गिरेंगे उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स को वो गेन करेंगे, ये गेन करेगा, गेन करके रॉड पे जमा हो जाएगा Cu सॉलिड के फॉर्म में, ऐसा Cu+2 गेन कर रहे हैं। और क्या मिलेगा आपको, Cu सॉलिड मिलेगा ऐसा, है ना, ये रिडक्शन हो गया, दिस इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे उसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। जो इलेक्ट्रॉन गिरे सारे के सारे गेन नहीं होंगे, कुछ गेन होंगे, कुछ बचेंगे, तो वापस इलेक्ट्रिकल डबल लेयर फॉर्म हो गया। दिस टाइम द रॉड इज पॉजिटिव एंड द सॉल्यूशन इन द विसिनिटी इज नेगेटिव, उल्टा हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रॉड नेगेटिव है, सॉल्यूशन इन द विसिनिटी पॉजिटिव है, तो करंट ऐसे जा रहा है। अब यहाँ पे रॉड पॉजिटिव है एंड सॉल्यूशन इन द विसिनिटी नेगेटिव है ना, रॉड में से इलेक्ट्रॉन गए तो रॉड पॉजिटिव हो गया, इलेक्ट्रॉन्स गए उसमें से कुछ किसने गेन किए, रिडक्शन हो गया, Cu सॉलिड बन के जमा हो गया। जो बचे हैं वो तो खड़े रहेंगे कि नहीं यहाँ पे, इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल डबल लेयर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस फॉर्म होगा। पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो करंट फ्लो होगा, हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ऐसे तो करंट ऐसे फ्लो होगा रॉड से सॉल्यूशन में। एनोड भी उल्टा हुआ है, सॉल्यूशन टू रॉड गया, ये सॉल्यूशन टू रॉड गया है, पॉजिटिव टू निगेटिव, ये यहाँ से ऐसे आएगा और फिर यहाँ पे रहेगा। फिर ऑब्वियसली सॉल्ट ब्रिज वगैरह होता है जो मैंने ड्रॉ नहीं किया है, बट बेसिकली ये रिडक्शन है ना, रिडक्शन हो रहा है कि नहीं रॉड और सॉल्यूशन के बीच में, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉनेशन। तो एनोड पे डी इलेक्ट्रॉनेशन, डी मतलब लॉस, ऑक्सीडेशन की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ, जबकि कैथोड पे इलेक्ट्रॉनेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ, ऐसा वो कहता है। तो नल्स का बेसिक स्टेटमेंट डी इलेक्ट्रॉनेशन के लिए ऐसा है, उसका उल्टा इलेक्ट्रॉनेशन स्टेटमेंट सिर्फ डी इलेक्ट्रॉनेशन का ऐसा है। वो ऐसा कहता है, व्हेनेवर अ मेटल रॉड, ये मेटल रॉड है ना, व्हेनेवर अ मेटल रॉड इज डीप्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयंस, द मेटल एटम्स हैव अ टेंडेंसी टू जंप इनटू द सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ देयर कैटायंस। व्हेनेवर अ मेटल रॉड इज डीप्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयंस, द मेटल एटम्स हैव अ टेंडेंसी टू जंप इनटू देयर ओन सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ देयर कैटायंस। मतलब क्या, जब कोई मेटल रॉड आप उसके सॉल्यूशन में, जैसे ZnSO4 Zn+2 है उसके अंदर, तो Zn का रॉड है तो Zn+2 सॉल्यूशन है, तो रॉड का जो पार्ट डूबा हुआ है उधर के एटम्स उनसे रहा नहीं जाता है, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन निकालते हैं रॉड पे रखते हैं, फिर आयन में कन्वर्ट होते हैं और आयन के फॉर्म में सॉल्यूशन में जंप मारते हैं। ये सब होने की वजह से यहाँ पे ये इलेक्ट्रिकल डबल लेयर फॉर्म हुआ है, और उसका उल्टा एग्जैक्टली उधर हुआ है। तो बेसिकली डी इलेक्ट्रॉनेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज ऑक्सीडेशन, इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ है एनोड पे, और इलेक्ट्रॉनेशन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, इसके वजह से ये पोटेंशियल डिफरेंस हुआ है। अब इसके अलावा इसको अलग अलग नाम भी दिए गए, जैसे ये है डी इलेक्ट्रॉनेशन को, है ना, ये जो है उसको ऐसा कहते हैं सॉल्यूशन प्रेशर ऐसा, और जो इलेक्ट्रॉनेशन है उसको कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, सॉल्यूशन प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, मैं यहां पे अलग से लिख रहा हूं, सॉल्यूशन प्रेशर जिसका सिंबल है PS, एंड ऑस्मोटिक प्रेशर,
दिस इज पी ओ. सो सोल्यूशन प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर. तो यहाँ पे आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा. वट इज सोल्यूशन प्रेशर? सोल्यूशन प्रेशर मतलब इट इज टेंडेंसी टू अंडरगो डी इलेक्ट्रॉनेशन और टेंडेंसी टू अंडरगो ऑक्सीडेशन और टेंडेंसी टू बिहेव एज एनोड. ये तीनों इसके मतलब है. आई विल रिपीट, सोल्यूशन प्रेशर ये इसका सिंबल है. इसका मतलब टेंडेंसी टू अंडरगो डी इलेक्ट्रॉनेशन और टेंडेंसी टू अंडरगो ऑक्सीडेशन और टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन और टेंडेंसी टू बिहेव एज एनोड. And what is osmotic pressure? Osmotic pressure is a tendency to undergo electronation or tendency to undergo reduction or tendency to gain electron or tendency to behave as cathode. ये सारे उसके मतलब है. ये MCQs entrance के लिए आपने याद रखना चाहिए. अब यहाँ पे tendency to lose electron is greater than tendency to gain electron. ऐसा रहेगा तो ही potential difference आएगा. तो दूसरा कंडीशन क्या होगा? Tendency to lose electron is less than tendency to gain electron. यहाँ पे भी potential difference आएगा. अगर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इज एग्जैक्टली इक्वल टू टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन है तो इसको, ये जो कंडीशन है, ऐसा इलेक्ट्रोड हो गया तो उसको नल इलेक्ट्रोड कहते हैं. तो वोल्टेज ड्रॉप्स डाउन टू जीरो, क्योंकि जितने समय में जितने इलेक्ट्रॉन्स, ये नल इलेक्ट्रोड, जितने समय में जितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है उतने समय में उतने इलेक्ट्रॉन का गेन होगा. तो पोटेंशियल डिफरेंस तो होगा ही नहीं. तो ये पोटेंशियल डिफरेंस के लिए अच्छा कंडीशन नहीं. नल इलेक्ट्रोड मतलब वोल्टेज ड्रॉप्स डाउन टू जीरो. तो टेंडेंसी to lose electron should be greater than tendency to gain electron or ulta, tendency to gain electron is more than tendency to lose electrons. इसमें आपको potential difference मिलेगा. अगर ये दोनों same हो गया तो उसको null electrode कहते हैं. That means the voltage has dropped down to zero. So this is about Null's theory, जिसकी मदद से हम लोग Null's equations पढ़ेंगे. नौ अलग अलग नौ उसके equations है, formula उसके numericals है.